नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ ते यह थोड़े सामने PSTCL वालों आई जॉब रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। पोस्ट में अप्लाई करने की डेट 20/5/2021 यानी स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जी 11/6/2021 तक तुम इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। एंड टोटल पोस्ट की गल करिए आर्किटेक्ट की पोस्ट एक था, इस तो अलावा असिस्टेंट लाइनमैन की 350 पोस्ट ने, इस तो अलावा सब स्टेशन अटेंडेंट की जी 250 पोस्ट हैं। तो काफ़ी वधिया जॉब रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट हुई है, इस फॉर्म में जरूर फिल कर दियो। एज लिमिट की गल करिए जी आर्किटेक्ट की पोस्ट है उसमें 20 से 37 साल जनरल कैंडिडेट वाल अप्लाई कर सकते हैं। एंड SC ST वास्ते आर्किटेक्ट की जी पोस्ट है उसकी एज लिमिट 20 से 42 साल रहेगी। इस तो इलावा असिस्टेंट लाइनमैन तो स्टेशन अटेंडेंट की गल करिए 18 से 37 साल जनरल कैटेगरी वास्ते एज लिमिट रखी गई है। एंड SC ST कैंडिडेट वास्ते 18 से 42 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। एंड सिलेक्शन प्रोसैस की गल करिए दोस्तों, आर्किटेक्ट की जी पोस्ट है उस 60 नंबर का पेपर का जी आर्किटेक्ट सब्जेक्ट तुम पढ़े जो उन्होंने रिलेटड एग्जाम देखने को मिलेंगे। इस अलावा 40 नंबर के जोड़े होने उन्होंने जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, नुमैरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल मार्क्स की गल करिए 100 मार्क्स के यह पेपर होगा और यह मोड ऑफ जोड़ा एग्जाम का रहेगा सिर्फ इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश यह पेपर दे सकते हो। असिस्टेंट लाइनमैन तो सब स्टेशन अटेंडेंट की गल करिए जिहड़ा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटड 80 नंबर का मार्क्स होगा। इस तो अलावा जनरल नॉलेज और अवेयरनेस रिलेटड पंजाब स्टेट के सिर्फ पंजाब स्टेट रिलेटड ही क्वेश्चन जोड़े 20 मार्क्स के हो गए। तो टोटल नंबर की गल करिए 100 नंबर का यह पेपर है। तो इंग्लिश और पंजाबी लैंगुएज चूज़ करके तुम कोई भी लैंगुएज में कंफर्टेबल हो तो यह पेपर दे सकते हो। दोस्तों शायद तुम्हें मैं इसकी क्वालिफिकेशन दसना भुल गया, तो उपर तुम एक बार मैं रीड करा देना, मेरे माइंड से सॉरी यह गल निकल गई। तो हूँ आप इसकी क्वालिफिकेशन देखिए तो कौन कौन इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो इतने इन्होंने मैनशन किया है आर्किटेक्ट की पोस्ट वास्ते जिहड़ी कि डिग्री जिहड़ा डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट होना चाहिए। ALM की पोस्ट की गल करिए पंजाबी पास ऑफ मैट्रिकुलेशन 10वीं क्लास में पंजाबी सब्जेक्ट होना लाजमी है। तो रेगूलर ITI इन इलैक्ट्रीशियन या वायरमैन का ITI का डिप्लोमा अपन किया होना चाहिए। एंड सेम क्वालिफिकेशन जी सब स्टेशन अटेंडेंट की पोस्ट है उस मंगी गई है। ओके दोस्तों, हूँ जे तुम यह पोस्ट मोबाइल के घर बैठे हो उन्होंने अप्लाई करना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट करके मैं दस दौ, तो मैं नैक्सट पार्ट मोबाइल से किमें इस पोस्ट में अप्लाई करना तुम्हें समझा देंगा। एंड दोस्तों जो इस एग्जाम के सिलेबस बारे जानकारी लेना चाहते हो तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी तुम ले सकते हो। एंड एग्जाम में क्वालीफाई करने जी बेस्ट बुक है उन्होंने लिंक मैं ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए ने, उत्थे जाके वह बुक बाय कर लो तो एग्जाम में क्वालीफाई कर दो। बाकी दोस्तों जो कोई भी जानकारी तुम्हें चाहिए है तो वीडियो में कमेंट कर दो या मैं इंस्टाग्राम से फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी तुम ले सकते हो। एंड जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब कर दो, तुहाडे सपोर्ट की बहुत जरूरत है।